अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले दिनों जमीनी विवाद को लेकर हुए जघन्य हत्याकांड और फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 जेसीबी मशीन, डंपर, ट्रैक्टर व लग्जरी कार सहित वारदात में प्रयुक्त कुल 10 वाहनों को भी जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में फिलहाल 50-50 हजार रुपए के इनामी आरोपी शामिल नहीं है। उनकी भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इसके अलावा फायरिंग करने वाले के रूप में एक और आरोपी राजवीर फौजी को भी नामजद किया गया है। उसकी भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। एसपी राणा ने बताया कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रकरण से संबंधित जो भी आरोपी है उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इनमें से 6 लोग ऐसे हैं जो वारदात के समय मौके पर मौजूद थे। साथ ही अन्य ने आरोपियों को भागने व साधन उपलब्ध कराने में सहयोगी की भूमिका निभाई है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों में नंदलाल उर्फ नंदा जाट, अर्जुनलाल, रामदेव, कमलेंद्र, आसम खान, मुकेश, रामजीलाल, रतनलाल, नरेंद्र, शिवराज शामिल हैं। आज हम खुलासा कर रहे हैं उसमें हमने टोटल 10 लोग गिरफ्तार किए हैं और उन 10 लोगों के साथ करीब 10 व्हीकल हैं जो घटना में प्रयुक्त हुए थे, जिसके अंदर 2 जेसीबी भी हैं और स्कॉर्पियो गाड़ी है और अन्य वाहन हैं जिनको जब्त किया गया है। इनके अंदर जो 4 लोगों को अभी इनामी कर रखा है वो लोग तो नहीं है, उनके ऊपर हमारी टीम जो है वो पूरी तरीके से प्रयासरत है, लेकिन इस पूछताछ के बाद एक और आदमी जिसके पास फायर आर्म था, जिसने फायरिंग की थी, उसको नामजद कर लिया गया है। उसके ऊपर भी इनाम घोषित कर दिया गया है और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही इन लोगों पे हमें सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो स्टेप्स हैं इस प्रकार के क्राइम को रोकने के लिए वो लिए जा रहे हैं। इन लोगों की प्रॉपर्टी जो है उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स ली जा रही है। जो नए कानून के अंदर प्रॉपर्टी जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होते हैं उनको जब्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसके ऊपर हमारी पूरी टीम जो है वो वर्क कर रही है और जो भी इनके सहयोगी हैं कड़ी से कड़ी जोड़कर, ना केवल जो मौके पर उपस्थित लोग थे पर जिस इंसान ने किसी भी कैपेसिटी में इनकी मदद करी है, इनको शरण देने में, इनको भगाने में, गाड़ी प्रोवाइड कराने में, कोई फ़ोन प्रोवाइड कराने में, हर आदमी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाएगी। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो इसके अंदर जो हमारा अब नया कानून आया है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विरुद्ध और भी ज़्यादा सख्त जो प्रावधान है उनका प्रयोग किया जा रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शुक्रवार को अजमेर में 64 परीक्षा केंद्रों पर समान पात्रता परीक्षा 2024 यूजी स्तर आयोजित की गई। परीक्षा 2 पारी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक हुई। परीक्षा के लिए कुल पंजीकृत अभ्यर्थी 19,585 हैं। परीक्षा के कारण कई स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश घोषित किया गया। प्रथम पारी में 17,025 अभ्यर्थियों में परीक्षा दी और 2,560 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। प्रथम पारी में उपस्थित 86.92% रही। इसी तरह दूसरी पारी में 17,269 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 2,316 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। दूसरी पारी में उपस्थित 88.17% रही। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। अजमेर जिला प्रशासन ने परीक्षा के लिए 10 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड में 1 आरएएस, 1 आरपीएस और 1 जिला शिक्षा अधिकारी शामिल है। कुल 10 टीमों में 64 अधिकारी शामिल है। परीक्षा संचालन के लिए कलेक्टरेट में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। इसके दूरभाष नंबर 01452422517 है। ये परीक्षा शनिवार को भी आयोजित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के प्रांतीय अधिवेशन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कहा कि व्यापारी स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखें। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार व्यापारियों के साथ है और राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए फूड इंडस्ट्री को आमंत्रित किया है। बैरवा ने मंडी टैक्स और कृषक कल्याण शुल्क पर व्यापारियों की मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का भी वादा किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरियाणा के भिवानी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ के समर्थन में मानहेरू गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मतदान में अधिकाधिक भागीदारी लेने और भाजपा को विजयी बनाकर विकास की नई राह पर आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
कुमारी ने कहा कि हरियाणा की प्रगति के सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सशक्त नीतियों और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व का योगदान अभूतपूर्व है। इस बार एकजुट होकर भाजपा को अपना समर्थन दें और फिर से एक बार कमल खिलाकर हरियाणा को एक नई पहचान दें। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।